दोस्तों आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बगल वाले घंटे को भी दबा दें, क्योंकि हम लाते रहते हैं नए नए बिजनेस आइडियाज और नई नई जानकारी केवल आपके लिए। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप रजिस्टर किताबें बनाने का बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं। बहुत ही फायदेमंद बिजनेस है, हमेशा किताबें बिकती हैं। आपके घर में जितने भी बच्चे होंगे, जो भी पढ़ने वाले लोग होंगे, आपका भाई हो, आपकी बहन हो, आपके घर में आपके बच्चे हों, वो सभी किताबें जो हैं रजिस्टर और किताबें हमेशा खरीदते होंगे। 40-50 रुपये का एक एक रजिस्टर आता है आज के टाइम पे। तो ये बहुत ही फायदेमंद बिजनेस है, इसके बारे में आज सारी जानकारी आपको देने। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि रजिस्टर बनते कैसे हैं, रजिस्टर कापियां कैसे बनती हैं, कौन कौन सी मशीन चाहिए। उसके बाद मैं बताऊंगा उन मशीनों के रेट क्या है, कितने की मशीन है, और उसके बाद में मैं आपको फोन नंबर दूंगा। सारा खर्चा बता के मैं आपको फोन नंबर दूंगा उनका, जो ये मशीन्स और ये रॉ मटेरियल जितना भी आता है रजिस्टर कॉपियां बनाने के लिए, ये सब आपको प्रोवाइड कराएंगे। उन सभी के फोन नंबर भी मैं आपको दूंगा। देखिए, नोटबुक्स या किताबें बनाने के लिए सबसे पहले आपको रॉ मटेरियल खरीदना पड़ता है। रॉ मटेरियल की जो कीमत है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये आपको जिससे आप मशीन लेंगे वही आपको सारा रॉ मटेरियल प्रोवाइड करा देगा। 62 रुपए किलो रॉ मटेरियल आता है व्हाइट पेपर। सबसे पहले तो व्हाइट पेपर क्या होता है जी, व्हाइट पेपर वही पेपर है जो नोटबुक्स के बीच में लगाया जाता है कटिंग करके, जिससे कि पूरी नोटबुक तैयार होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले 62 रुपए किलो आपको ये व्हाइट पेपर पड़ेगा, जिसके अंदर आप 7 किताबें बना सकते हैं। और ये व्हाइट पेपर के बाद में, इसके बाद आपको खरीदना होता है रॉ मटेरियल इसके साथ में, बाहर का जो गत्ता होता है, इस गत्ते को आप चाहें तो खुद भी प्रिंट कर सकते हैं, पर खरीदना ज्यादा सस्ता पड़ता है। 1 रुपए का एक नोटबुक का पड़ता है गत्ता। तो इस हिसाब से 7 रुपए का वो हो गया, और 62 रुपए किलो में 70 रुपए में आपकी 7 नोटबुक जो है वो रॉ मटेरियल आ गया। 70 रुपए में रॉ मटेरियल आ गया, 7 किताबों का। अब इसके बाद में शुरू करते हैं किस तरीके से नोटबुक बनती हैं, कौन कौन सी मशीन चाहिए। देखिए, नोटबुक बनाने के लिए आपको सबसे पहले जो है व्हाइट पेपर को गत्ते के अंदर डालना है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं किस तरीके से इसने गत्ते के अंदर व्हाइट पेपर को बिल्कुल इकसार तरीके से डाल दिया, इसी तरह से सबसे पहले ये व्हाइट पेपर जो है गत्ते में डाला जाता है। ये गत्ता भी मैंने आपको बता दिया, रॉ मटेरियल में पहले से ही आएगा सब कुछ। बहुत ही आसान काम है ये। डालने के बाद में जिस तरह से आप देख सकते हैं इसमें पिन लगाई जाती है, ये मशीन है इसका इस्तेमाल किया जाता है, और ये पिन लगाने के लिए मशीन का इस्तेमाल होता है। ये मशीन कई तरह की आती हैं, कुछ सस्ती आती हैं, कुछ महंगी आती हैं, वो उसी हिसाब से काम करती हैं जैसे उनका रेट होता है, जैसे उनका साइज होता है। अब आप देख सकते हैं इसमें पिन लग चुकी है, इतना काम तो हम कर चुके हैं। अब तीसरी जो मशीन है, इससे क्या होता है, इसे जो है चकोर किया जाता है, नीचे से इकसार किया जाता है बिल्कुल, जो नीचे की तरफ आप देख पाएंगे यहाँ पे बिल्कुल इकसार कर दिया जाता है प्लेन। तो इस मशीन का इस्तेमाल होता है जिसमें नीचे रोलर होते हैं, इससे इकसार किया जाता है इस तरीके से इसमें किताबें ये जो डाल के सारी। अब इसके बाद में जो चीज शुरू होती है वो होगी इसके बाद में कटिंग की। पहले आप देख लीजिए ध्यान से किस तरीके से इसे रोलर में डाल के थोड़ी देर रखा जा रहा है ताकि ये नीचे से बिल्कुल सही तरीके से इकसार हो जाए। अब आप देख सकते हैं ये बिल्कुल इकसार हो चुकी है, नीचे से सारी नोटबुक को इकट्ठा डाला गया इसके अंदर। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल इकसार हो चुकी है। अब आती है बात, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दूसरी वही मशीन है, उसकी जो पिछली साइड है, ये बड़ी मशीन है पूरी की पूरी एक, तो इसकी जो पिछली साइड है उस पर अब इसे ले जाया जाएगा सारी किताबों को, और यहाँ पे इन किताबों की कटिंग होगी। जो रॉ मटेरियल था वो तो जुका तो आ गया, हमने सिर्फ इसमें पिन लगाया है, कागज डाला है, और अपना इसकी कटिंग कर देंगे हम, और हमारा रजिस्टर बन के तैयार हो जाएगा। तो देखते रहिए इस वीडियो को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से इकसार करके पहले इन्हें अंदर रखा गया, यहाँ पे इनकी कटिंग शुरू होगी। अब इसमें कुछ हैंडल घुमाने पड़ते हैं जिससे इसकी कटिंग होती है, वहां पे बिल्कुल सेट करना पड़ता है कि किस जगह पे आपको कटिंग करनी है। तो ये आप देख सकते हैं इन्होंने इस तरीके से इसे बिल्कुल इकसार तरीके से रख लिया है। अब ये इन्हें इस मशीन के अंदर डालेंगे, और ऊपर एक ब्लेड होगा, बहुत ही ज्यादा तेज ब्लेड होता है वो, जो एक बार में इसे काट देगा सारी की सारी किताबों को। तो यहां पर देखिए किस तरीके से इन्हें निकाल के रख रहे हैं अभी। अब देखिए, अब इस तरीके से इन्हें रखा गया बिल्कुल इकसार करके। अब ये ऊपर से जो है ब्लेड दबाएंगे, ये देखिए ऊपर से जो हैंडल से जो है ब्लेड को दबाया जा रहा है घुमा के,
इसमें कोई ज़्यादा ताकत नहीं लगती है, हैंडल घुमाने में बहुत ही आसानी से। और ये इन्होंने, ये देखिए ये ब्लेड चल गया, ये आप देख सकते हैं पूरा बारी ब्लेड होता है ताकि एक सार एक बार में काटते, और हमारी किताब भी जो है कट के तैयार हो चुकी है, आप देख सकते हैं। ये काम हमारा हो गया कंप्लीट, हमारा रजिस्टर जो है बिल्कुल बन के तैयार हो चुका है। अभी हमें कुछ नहीं चाहिए, डायरेक्ट हमें इसे बेचना है और कुछ नहीं करना, रजिस्टर बिल्कुल बन के तैयार हो चुका है। तो अभी से थोड़ा सा ये इकसार करेगा, जो फालतू की चीज जगह जहाँ भी होगी उसे ये सही से ब्लेड से कट कर देगा। आप देख सकते हैं ये फिर से वही कर रहा है, ये देखिए फालतू का सब कट हो गया बिल्कुल, और हमारा रजिस्टर बन के बिल्कुल तैयार हो चुका है। दोस्तों आप सभी देख चुके होंगे किस तरीके से जो है सारी हमने रजिस्टर बना के तैयार कर दी। अब ये जो आप देख रहे हैं इस टाइम पे, ये बड़ा सेटअप है जो आप देख रहे हैं, ये बड़ी मशीन है। जो मैंने आपको इससे पहले दिखाया वो लगभग 5.5 लाख रुपए से लेकर 6 लाख रुपए के बीच में शुरू होने वाला काम था। वो जो इससे पहले मैंने आपको मशीनें दिखाई, वो सारी मशीनें लगभग 5.5 लाख रुपए में आ जाती हैं, और सारा काम आप शुरू कर सकते हैं 50-60 हज़ार रुपए का रॉ मटेरियल लेके। मैं आपको फोन नंबर दे रहा हूँ उनके, जिन पे आप कॉन्टेक्ट करके इन मशीनों के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं डीलर्स के, ठीक है। अब ये जो आप देख रहे हैं इस टाइम पे स्क्रीन पे, ये बहुत ही बड़ी मशीन है, ये लगभग 20-25 लाख रुपए में आप इसे शुरू कर सकते हैं। अगर आपका प्रोडक्शन ज्यादा है, आप सब कुछ ही ऑटोमेटिक रखना चाहते हैं, तो उसके लिए इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से पेपर आ रहा है, सब कट हो रहा है और सब कुछ सीधा बिल्कुल जा रहा है। तो इस मशीन के लिए आपको 20-25 लाख रुपए का जो है सेटअप आपको लगेगा, अगर आप ये करना चाहते हैं तो आप ये भी खरीद सकते हैं। मैं उनके फोन नंबर आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, आप फोन कीजिए उनको कभी भी और कॉल करके सारी जानकारी प्राप्त कर लीजिए। सारे फोन नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं, वहां से आप क्लिक करके जाके जानकारी ले लीजिए सारी।